अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शेरों उस्मानी, आप देख रहे हैं उस्मानी टीवी एंड व्लॉग। मैं मौजूद इस वक्त कस्बा गुजरात के अंदर, हम जमात की नुसरत पे आए थे। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखा माहौल यहाँ का, तो सोचा दिल में आया कि आप उनके साथ शेयर करते हैं। यहाँ बहुत प्यारी मस्जिद बनाई हुई है इन लोगों ने। ये हमारी बाइक खड़ी है, इस पर हम आए थे। ये मस्जिद के साथ ही पेट्रोल पंप है, यूनिवर्सल पेट्रोल पंप। इन लोगों ने ये मस्जिद बनाई है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। बाहर के साथ अंदर से भी खूबसूरत है, नीचे बेसमेंट बना रखे हैं इन लोगों ने। अब बाकी इन लोगों के दर्शन को कबूल करना है। ये जमात के साथ ही है माशाल्लाह, कराची से ताजे फुले बनाए। चले चले मैं आ रहा हूँ। ये मस्जिद की दूसरी साइड है, तो सीढ़ियाँ भी जा रही हैं माशाल्लाह। मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो भी दिखाते हैं। माशाल्लाह जमात के साथ आराम कर रहे हैं, कुछ साथी हमारे साथ बैठे हैं। माशाल्लाह एसी डेक लगा रखे हैं, देखो। ये मस्जिद का फ्रंट है, नीचे एक चीज मुझे बहुत खूबसूरत है। एक ट्रिपल स्टोरी मस्जिद है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं माशाल्लाह। साल की जमात है कराची की है। माशाल्लाह ये सीढ़ियाँ हैं जी, नीचे आती हैं जो एक एक चीज़ पे माशाल्लाह खूब खर्चा कर रखा है अल्लाह पाक ने, दुनिया आखिरत में इसकी जजा अता फरमाए। मुकम्मल माहौल, घर जैसी सहूलियात। ये पीछे लान भी बना रखे हैं, जमात वालों ने अपने कपड़े धो रखे हैं। अल्लाह के रास्ते में निकल के कुर्बानियाँ देना, दुख तकलीफ बर्दाश्त करना अल्लाह की रजा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अल्लाह से रूठे हुए लोगों का अल्लाह के साथ सुलह कराना, अंबिया वाला काम माशाल्लाह। तमाम अम्बिया कराम से अल्लाह पाक ने घर छुड़वाया, और ये वाहिद काम है जो तमाम अम्बिया ने किया है। अभी आपको बेसमेंट दिखाते हैं, उन्होंने बेसमेंट भी बना रखी है। ये बेसमेंट का दरवाज़ा है जी, ये जी बेसमेंट है। ये जमात वालों के बिस्तर वगैरह पड़े हैं।
अल्लाह के रास्ते में निकल के बहुत से दुख तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तरह तरह के इलाकों में कहीं मस्जिद होती है, कहीं नहीं होती, कहीं का पानी अच्छा होता है, कहीं का पानी अच्छा नहीं होता, कहीं खाने को मिलता है, कहीं खाने को नहीं मिलता। अपने घरों के आराम सुकून को छोड़ के अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए लोगों के पीछे मारे मारे फिरना, यही इंसानियत का असल मकसद है। इसी मकसद के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 कौम बेशंबे अकराम को मौज़ फरमाया। हर नबी ने आके लोगों को ये दावत दी कि लोगों एक अल्लाह को मान लो, एक अल्लाह की मान लो, कामयाब हो जाओगे। माशाल्लाह इसी पैगाम को लेके फिर रहे हैं। तो इनकी नुसरत के लिए हम आए थे, सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। ये एक दरवाज़ा है जो बाहर जब बेसमेंट में जाते हैं, आगे भी एक और पोर्शन बना रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और हमें भी अल्लाह के रास्ते में निकलना, दूर देर के लिए निकलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने राय का इजहार लाजमी करें और अल्लाह के रास्ते में निकलने की नीयत करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।